स्टार्ट स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड इन दिस लेक्चर और टुडेज टॉपिक इज द लेनार्ड ऑब्जर्वेशन और ऑलवेक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन अदर ऑप्शन इज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट इसको तुम उसको क्या कंसीडर कर सकते हो लेनार्ड ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो ऑलवेक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो या फिर लेनार्ड एक्सपेरिमेंट्स ठीक है हमारा जो क्वेश्चन है तीनों में से कोई भी तरह से पूछ सकते हो फर्स्ट वी नोट डाउन द टॉपिक एंड देन स्टार्ट गोइंग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डायग्राम एंड इन द डायग्राम फर्स्ट वी टेक द ग्लास ट्यूब This is the glass tube and it is made with vacuum. इसकी glass tube consider करना है और इसको कैसा बनाना है? Vacuum create करना है. ठीक है? और इसके अंदर क्या create करना है? Vacuum. Vacuum इस चीज को बोलेंगे vacuum इसके अंदर उसके अंदर कोई air particles होगा. Air का भी single particle भी वहाँ पे present नहीं होना चाहिए. कोई भी चीज नहीं होगी. मिस totally कैसा होता है? Empty होता है. ठीक है? Totally कैसा होगा? खाली होगा. तो इस चीज को क्या बोल सकते हैं? Vacuum. ठीक है? और इसके ऊपर यहाँ पे क्या करना है? एक हमें क्या करना है? और एक ट्यूब लगा दी और इसको हम क्या बोलेंगे विंडो ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे क्वार्ट्स विंडो क्वार्ट्स विंडो क्यों बोलेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे एमिशन के लिए देखे थे एमिशन के लिए हमारे थ्री मेथड्स थी फर्स्ट इज द थर्मोनिक एमिशन सेकेंड फील्ड एमिशन एंड थर्ड वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसके यहाँ पे लाइट का या फोटो मीन्स क्या होता है लाइट का यूज करके हम क्या करना है इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो उसके लिए भी यूज करना है यहाँ पे हमें क्या करना है लाइट को एंटर करना है नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे घर में भी अगर हम देखें या रूम होता है तो उसके अंदर जो लाइट आती है जो सन की जो लाइट आएगी वो लाइट हमारे कहाँ से आती है विंडो से या फिर डोर से आती है तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ से लाइट को क्या करना है हमें एंटर करना है तो इसके लिए इसको हमने क्या नाम दे दिया क्वार्ट्स विंडो ठीक है उसके अंदर जो रेडिएशन की अगर हम बात करें तो कौन सी वेव होती है अल्ट्रा वायलेट ये सिर्फ क्या करेगा अल्ट्रा वायलेट वेव को सिर्फ क्या होने देगा पास होने देगा और बाकी कोई भी जो लाइट्स होगी उसको क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा जैसे अगर नॉर्मली हम दूसरी भी अगर बात करें तो कार के अंदर तुमने अगर देखा तो कार के अंदर जो मेन सील होता है सील जो आगे जो ग्लास रहता है उसके ऊपर तुमने देखा तो कोटिंग वगैरह लगाते हैं ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है तुमने देखा तो ब्लैक कलर के ग्लास करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है उससे जो सन की जो लाइट होती है वो क्या नहीं कर पाती है कार के अंदर एंटर नहीं कर पाती और उसके असर अंदर का कार का टेम्परेचर क्या नहीं होता है इंक्रीज नहीं होता बढ़ता नहीं ठीक है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं उसके कोटिंग करवाते हैं तो उसके उससे लाइट क्या नहीं कर पाती एंटर नहीं कर पाती तो ऐसे यहाँ पे हमने इसके लिए किस किया उसके बाद क्वार्ट्स ग्लास का और उसको नाम क्या दिया हमने क्वार्ट्स विंडो वहां से सिर्फ क्या करेगी अल्ट्रा वायलेट रेस वेव क्या करेगी सिर्फ एंटर करेगी बाकी कोई भी लाइट वहां पे एंटर नहीं करेगी ठीक है तो ये हो जाएगा फर्स्ट हमारा ग्लास ट्यूब और अगर तुम बुक में देखोगे तो इवेक्यूटेड लिखा होगा आप इवेक्यूटेड कंसीडर कर लो या फिर वैक्यूम भी तुम लिख सकते हो ठीक है और दूसरी यहाँ पे क्वार्ट्स विंडो हो गई और यहाँ पे भी क्या करेंगे दो प्लेट्स लगा दी इस तरह से और उनके बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं है इसको यहाँ पे सिर्फ ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है अब देखो नॉर्मली अगर प्लेट देखो तो इस टाइप से प्लेट होगी ठीक है अब तुम यहाँ से सामने से देख रहे हो तुम्हें सिर्फ कैसे सिंगल लाइन दिखा देगा बट अगर तुम यहाँ से देखो तो कैसी है पूरी की पूरी प्लेट है ठीक है यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स है जिसमें से हम क्या करेंगे एक में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे और एक प्लेट क्या करेगी इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगी ठीक है इसके लिए नाम देते हैं जैसे ये एमिट करेगी तो इसको हम ई बोल सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगी तो इसको हम सी बोल देते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी एमिट करेगी और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी कलेक्ट करेगी तो इसको कलेक्टर और इसको एमिटर बोल सकते हो ठीक है अब और क्या कंसीडर करते हैं अब इस जो प्लेट्स होंगी प्लेट्स को हमें कंसीडर करना है ये कनेक्ट करना है इसके साथ बैटरी के साथ ठीक है बैटरी से कनेक्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होंगे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मोशन करेंगे और मोशन करने की वजह से वहां पे क्या जनरेट होगा क्या प्रोड्यूस होगा करंट प्रोड्यूस होगा और करंट मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एमिटर का तो यहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर देंगे एक एमिटर कनेक्ट कर देंगे ठीक है और एमिटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है ऑलरेडी पता है ठीक है और ये जाएगा हमारा बैटरी के साथ ठीक है बैटरी के साथ ये जाएगा नेगेटिव और इसको हमें कंसीडर करना पॉजिटिव ठीक है इनिशियल हमें इसको क्या रखना है बैटरी को ऑफ रखना है मीन्स इसकी वजह से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा
और एक चीज एमीटर के लिए याद रखना, एमीटर हमेशा हम किसके अंदर कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर। कभी भी कोई भी सर्किट में अगर तुम सर्किट में एमीटर कनेक्ट कर रहे हो तो किसके अंदर कनेक्ट करना है, सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक चीज और हमें मेजर करनी है, यहाँ से एक और चीज हम कनेक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर या फिर इसको बोल सकते हो पोटेंशियल मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये जो दो प्लेट्स होंगी उनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उनका क्या मेजर करेगा, डिफरेंस। देखो पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसकी दो प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो मेजर करता है। जैसे सपोज हम कंसीडर कर लें इस प्लेट का, यहाँ पे सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं वोल्टेज है 100 वोल्ट और इस प्लेट का सपोज यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं वोल्टेज है 80। इस प्लेट पे पोटेंशियल हमारा 100 और इस प्लेट पे हमारा पोटेंशियल 80, तो ये कितना शो करेगा, ये हमें शो करेगा 20, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस कितना है 20 का। तो इस वोल्ट मीटर के अंदर हमें क्या मेजर दिखाएगा, क्या शो करेगा, क्या प्रेजेंट करेगा, 20 वोल्ट, इसकी दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो उसको हम क्या कैसे निकल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज होगी इतनी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डायग्राम होता है कंप्लीट, डायग्राम सिंपल से डायग्राम में कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। अब देखो अब यहाँ से हमें क्या करना, एक कोई सोर्स लगा देते हैं। अब देखो सोर्स में आप तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे बल्ब होता है, बल्ब में से भी लाइट प्रोड्यूस होती है, हमें इन शॉर्ट यहाँ पर लाइट का यूज करना है। अब वो लाइट हम कहाँ से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे भी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली अगर हम जाके देखें तो नॉर्मली हमारी जो लाइट होती है हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। सन से जो लाइट आती है उसके लिए हम उसको कंसीडर कर सकते हैं सोर्स, और सोर्स से यहाँ से क्या कर रहे हो, लाइट आ रही होगी, ठीक है, इस तरह से। और इसके ऊपर इंसिडेंट होगी प्लेट के ऊपर। तो फिर स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लाइट के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो लाइट में अगर हमने देखा, लाइट के लिए हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं, घर में अगर हम देखें तो बल्ब वगैरह या ट्यूबलाइट वगैरह एलईडी बल्ब्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अगर देखा हो तो, ठीक है, उसके अंदर हम जब देखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग वाट्स होते हैं, 50 वाट का आता है, 100 वाट का बल्ब भी आता है, ठीक है, 15 वाट का बल्ब भी आता है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं दो बल्ब, सपोज बल्ब वन और ये कितना है हमारा 60 वॉट, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं आई, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए क्या यूज किया हमने, आई, और उसको हम कंसीडर कर लिया आई वन फर्स्ट बल्ब के, और सेकेंड यहाँ पे हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं और एक बल्ब टू और इसके वोल्ट अगर सपोज कंसीडर कर लेते हैं 100 वॉट और इसकी इंटेंसिटी हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं आई टू, ठीक है। तब इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होगा, जैसे तुमने भी अगर देखा हो तो जो सनलाइट में बाहर जाते हो तो वहाँ पे क्या होती है सनलाइट, अब सनलाइट में कंडीशन अलग अलग है, तुम मॉर्निंग में बाहर निकलो तो भी सन से लाइट आती है, दोपहर के टाइम 1 या 2 बजे के आसपास निकलोगे तो भी सन से लाइट आती है, और एक शाम के टाइम 4, 5 बजे, 6 बजे के आसपास भी सन से लाइट आती है। तो लाइट तीनों सन से ही आती है लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है। मॉर्निंग में जाओगे जो सनलाइट होगी तुम आराम से उसके अंदर बोलते हैं कि विटामिन डी मिलता है तो इसके लिए वहाँ पे हमें बैठना चाहिए और उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ होती है, तो क्यों। लेकिन वही अगर 1 बजे या दोपहर में बैठो तो नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दोपहर में धूप कैसे होती है एकदम ज़्यादा हो जाती है, मीन्स की उसकी इंटेंसिटी कैसे होती है एकदम हाई होती है। तो लोग अब होगी मॉर्निंग में एकदम लो रहेगी लाइट की इंटेंसिटी और जैसे जैसे दोपहर होते जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी बढ़ती, और ये चीज़ तुमने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। तो वही चीज इसके अंदर भी होगी। अब तुमने अगर 60 वोट का एक बल्ब लगाया है और एक मान लो लगाया 100 वोट का बल्ब, ठीक है, तो दोनों अगर तुम दोनों में से ऑन करोगे तो किसमें से ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी, सीधी सी बात है किसमें ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी 100 वोट में, तो उसकी इंटेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी 100 वोट की, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, इंटेंसिटी आई टू इज ग्रेटर देन, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड बल्ब इज मोर देन कंपेयर टू बल्ब वन, इस बल्ब वन के कंपेयर में सेकंड बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मींस वो क्या करेगा, लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अब देखो एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। अब हम आते हैं और एक चीज पे, अगर हमने नॉर्मली बल्ब भी देखे तो बल्ब में अगर देखा तो अलग अलग कलर्स आते हैं, जो नाइट बल्ब आते हैं यूज करते हैं उसके अंदर येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, व्हाइट बल्ब होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या मीनिंग होता है। अब जैसे मान लो अगर हम दो बल्ब लेते, जैसे फर्स्ट अगर हम एक और बल्ब लेते और ये हमारा है 15 वोल्ट बट ये कौन सा रेड कलर का, ठीक है, और एक बल्ब हम कंसीडर कर लेते हैं और सपोज ये बल्ब भी सेकंड और ये भी हमारा 15 वोल्ट का है बट ये सपोज हमारा कंसीडर कर लेते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये चीज फर्क पड़ती है। देखो वॉट सेम है तो दोनों लाइट सेम प्रोड्यूस करेंगे बट जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके कलर कैसे हैं, डिफरेंट है। तो अभी कलर डिफरेंट होने का मेन रीजन क्या है, तुम बोलोगे सर जो ग्लास होता है ग्लास के ऊपर हमने जो कलर किया होता है उसकी वजह से,
उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो लाइट के अंदर, लाइट हम क्या बोलते हैं, जो लाइट आती है सनलाइट, वो किससे जनरेट होती है, किससे क्रिएट होती है, वो क्रिएट होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किससे क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और वेव होगी तो उसके अंदर वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ होगी तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक है, वेवलेंथ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम अगर फॉर्मूला देखें तो ऐसा होगा, एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाय सी। एफ हो जाएगा यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे हमारा वेवलेंथ, और सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गई, और तो लैम्डा अगर मिल रहा है, वेवलेंथ मिल रहा है, तो सब क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ से देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे जो दो अलग अलग कलर दिख रहे थे, किसकी वजह से दिख रहे, ये दिख रहे तुम्हारे फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम सपोज कंसीडर करें एफ वन, और इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज हम कंसीडर करें एफ टू, तो इस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या होगी, एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो तो वहाँ पे कलर, लाइट का कलर क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी हो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, दो चीज याद रखना लाइट के लिए, देखो अलग अलग इंटेंसिटी अलग होगी, इंटेंसिटी से उसकी जो इससे असर होगी या जो इफेक्ट होगी वो अलग अलग होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या चेंज होगा, उनका कलर चेंज हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं उनकी एनर्जी में चेंजेस होगा। ठीक है, दो वर्ड याद रखना लाइट के। ठीक है, अब यहाँ से अगर तो ये चीज पता है कि तुम मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो उसको एकदम पावर के साथ इफेक्ट होती है लाइट की। ठीक है, अब देखो उसके लिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट डाउन कर लेना। उसके प्लेट के अंदर क्या होगा, एनर्जी होगा, प्लेट क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा, और हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो इसमें हम एक चीज समझने के लिए इजी हो, इसके लिए एक चीज याद कर सकते हैं, जैसे अगर 100 वॉट को ले रहे हो, यहाँ से मान लेते हैं कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ये कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 100 होंगे। अब अगर मैं सपोज की जगह 100 वॉट की जगह अगर मैं यूज कर लूँ मान लो 60 वॉट का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, 60। जैसे हम क्या करना है, 100 वोल्ट का बल्ब लगा रहे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। ठीक है, और 60 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, 60 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो इंटेंसिटी है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, द इंटेंसिटी is directly proportional to number of electrons. अब इसमें से अगर चीज देखें, अगर 100 वोल्ट का बल्ब लगा रहे हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, तो उनकी वजह से जो करंट मिलेगा, करंट वे में ज्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा। और 60 वोल्ट लगाओगे तो 100 के कंपेरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई तो वहां पर जो करंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा तो करंट हमारा कैसा होगा, ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो करंट भी हमारा कैसा रहेगा, कम होगा। तो इससे हम एक चीज बोल सकते हैं, इंटेंसिटी का आई वैल्यू और करंट को भी क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। तो आई प्रोपोर्शनल टू आई वैल्यू लिख सकते हो, या आई इज इक्वल टू आई। जिसकी अगर इंटेंसिटी ज्यादा रखोगे करंट डायरेक्टली कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और इंटेंसिटी लो होगी तो हमारे लिए करंट की वैल्यू भी क्या होगी, लो रहेगी। अब देखो याद रखना, तो ये याद रख सकते हो I proportional to I, ये हो जाएगा इंटेंसिटी के लिए, और सेकंड I हो जाएगा करंट के लिए। इसके लिए इंटेंसिटी तुम इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पे करंट भी क्या जाएगा, इंक्रीज होगा, और इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर रहे हो तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वहां पे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रख सकते हो। ठीक है, तो वही बात इलेक्ट्रिसिटी की, यानी इंटेंसिटी। ठीक है, अब अगर हम मान लो 100 वोल्ट का बल्ब है, लेकिन उसमें हम क्या यूज करेंगे, मान लो फर्स्ट हमने यूज किया 100 वोल्ट का और रेड कलर का। ठीक है,
इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब इससे फर्क ये पड़ेगा कि उससे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मीन क्या रहेगा, एनर्जी से रहेगा। ठीक है, इसके अंदर तो 100 वोल्ट का रेड बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उनके पास एनर्जी तो रहेगी, लेकिन एनर्जी कैसी रहेगी, मोर रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, और उसी की जगह हम रेड यूज करें तो क्या रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे होंगे उनके पास एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर रेड रेड लाइट का यूज कर रहे हो और जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं उनके पास मान लो एनर्जी अगर हो रही है, इच एवरी इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी बच रही है, 5 जूल। ठीक है, और उसी की जगह हम रेड टीम का क्या यूज कर ले, ग्रीन यूज कर ले, तो उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को जब तुम बाहर निकलेगा तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 3 जूल। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे भी एक चीज फर्क पड़ेगी, अगर 5 जूल होगी तो क्या करेंगे, स्पीड में मोशन करेंगे। अब किसी के पास एनर्जी हो तो क्या करना स्टार्ट करेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके पास एनर्जी कम होगी तो क्या करेंगे, एनर्जी मोशन भी कम करेंगे। क्यों, काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा स्पीड में मोशन करेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर लो होगी तो कम स्पीड में मोशन करेगा। उसके लिए एक चीज और कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम भी अगर क्लासरूम बैठे हो, तुम्हें अगर फुल एनर्जी के साथ मिलाए तुम क्या अपनी जगह पे स्टेबल रह सकते हो, तुम्हें छूट छाट दी जाए तो तुम क्या करोगे, तुरंत पूरे स्कूल में राउंड करने लगोगे, अप एंड डाउन करने लगोगे, फर्स्ट फ्लोर दूसरी क्लास में जाओगे। ठीक है, लेकिन वही अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी ना हो, तुम्हें फ्यूर हुआ, तो तुम अपनी जगह पे क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे, कहीं भी क्या नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे। ठीक है, तो रिलेटेड किससे करेगा, फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब उनको क्या मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उनको क्या मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी। तो दो चीज हो गई, इंटेंसिटी किससे रिलेटेड होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज और लिख देते हैं, इंटेंसिटी से आई मिलाएगा और फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेटेड होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एनर्जी। जिसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी हमारी कैसे रहेगी, ज्यादा। ठीक है, तो इसमें इतना रखते हैं, और नेक्स्ट इसके बाद अभी भी देखो बहुत लेंथी थ्योरी है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें हम और भी चीज़ देखेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए देखो यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगी लास्ट में, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, और इतने में किसी को कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से नोट डाउन कर लेना। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।